टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भिमंडी में MIM के नेता खालिद गुड्डू पर एक के बाद एक कई मामले दर्ज हुए थे और जैसे ही वो पिछले दिनों बाहर आए उन पर बलात्कार का मामला दर्ज हो गया और इस दौरान पुलिस स्टेशन में काफ़ी हंगामा भी MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। मगर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए MIM पार्टी के इम्तियाज जलील खालिद गुड्डू के समर्थन में आए। खालिद गुड्डू का बचाव करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि आने वाले चुनाव तक उन्हें अंदर रखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पार्टी का नाम लेकर जिक्र नहीं किया, मगर ये ज़रूर कहा कि राजनीति के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको सीक्वेंस ऑफ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि जब एक बंदे के ऊपर लगातार है तो उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं और उसको जमानत मिल जा रही है, बेल मिल जा रही है, फिर एक नया केस लादा जाता है उसके ऊपर। तो ये जो केस हुआ था, ये जो बलात्कार का जो मामला लाया गया है, 2020 का मामला है, बताते हैं 8 महीने तक जब वो अंदर थे तो किसी ने जाके शिकायत नहीं की और अचानक जाके आपने इस तरह के कंप्लेन कर देना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भी ये शक हो सकता है। इसीलिए हम खुद हैरान हो गए कि ये लगातार केसेस क्यों किए जा रहे हैं। अब आपको आगे समझ में आएगा इनकी मंशा सिर्फ यही है कि खालिद गुड्डू को किसी तरह से यहां पर कमजोर कर दो ताकि आने वाले चुनाव तक ये जेल के अंदर ही रहे। तो छोटे मोटे बड़े केसेस जो जो ला सकते हैं लेके आओ, इनके ऊपर केसेस करते रहो और इनको जेल के अंदर ही रहने दो करके। और जहां तक आपने तितर बितर होने की बात कही है, मैं आपको उस दिन का इंतजार करवाना चाहूंगा और आप है तो बड़ा कैमरा लेके आना उस दिन। भिवंडी की आवाम जो पहले मजलिस के साथ थी उससे 4 गुना ज्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मजलिस के साथ है, इंशाल्लाह। ये किसी ना किसी राजनीतिक दबाव के अंदर, किसी ना किसी के इशारों के ऊपर ये जो लगातार केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर लादे जा रहे हैं, अब उसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक केस के अंदर बेल होती है, दूसरे केस में बेल होती है, जैसे ही उनका बाहर आने की बात होती है तो एक नया केस उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हमने ये पूरी बातें DG साहब के सामने हमने रखी और उनसे हमने ये अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाए, आप देखें कि कैसे कैसे केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। उनको यह जानकारी दी गई थी कि खालिद गुड्डू के ऊपर पहले बहुत सारे केसेस थे। हम भी मानते हैं, मैं जब राजनीति के अंदर आया 2014 के अंदर तो एक सादा सा केस भी नहीं था, लेकिन आपके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं। मेरे ऊपर भी आज 8 केसेस हैं, कहीं कोई शराब की दुकान बंद करवाने का केस है, कहीं कोई रास्ते बंद है तो उसके लिए आंदोलन करने का। तो ऐसे राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन खालिद गुड्डू को एक विशेष तौर के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, खालिद गुड्डू साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस से कई सालों तक जुड़े थे, इलेक्शन के वक्त मजलिस के साथ आए, हम उनके साथ गए, भिवंडी की आवाम ने दिल खोल कर मजलिस का साथ दिया और करीब 44,000 वोट उन्हें पहले ही इलेक्शन में मिले। ये इस बात की गवाही है कि भिवंडी की आवाम एक अल्टरनेट चाहती थी और उन्होंने खालिद गुड्डू के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल खोलकर एक्सेप्ट किया। जीत और हार जो भी हो, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा है कि उस इंसान को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि यहां पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। वो एस्टैब्लिश राजनीतिक पार्टियां जो ये समझती आई है कि ये जो जितने भी लोग हैं इनका वोट हमारी जागीर है, तो कहीं ना कहीं इनको खतरा सताने लगा। तो सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन है तो उसी को कमजोर कर दो, और उसी के इरादे से ये इनके ऊपर लगातार केसेस किए जा रहे हैं। ये केस इन्वेस्टिगेशन का है,
हम जिन्होंने कंप्लेन फाइल किए हैं उस महिला के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन दो साल के बाद अगर कोई एक ऐसा केस करते हैं, हमने जितने फोटोग्राफ्स थे उस महिला के जिसने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जितने फोटोज थे उनके बर्थडे के, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनको फूल देते हुए, ये सब हमने डीजी साहब की आंखों में लाए हैं, उनको हमने सबमिट किए हैं और हमने उनको ये बताया है कि अगर इसी तरह से अगर सत्ता में बैठी सरकारें अगर विपक्ष के नेताओं को इसी तरह से झांसे में डालकर फंसाने की कोशिश करेगी, सत्ता का दुरुपयोग करेगी, तो हो सकता है कि कल हम में से कोई भी राजनीति के अंदर खड़े ही नहीं रह सकेगा। दो साल तीन साल के बाद कोई आएगा और कहेगा कि नहीं, इम्तियाज अली ने ऐसा किया है, वारिस पठान ने ऐसा किया है, फैयाज साहब ने ऐसा किए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कानून है और हम उस कानून के बारे में लोकसभा के अंदर भी अभी आवाज उठाएंगे कि महिलाओं के ताल्लुक से यकीनन कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और फौरन इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या यहाँ पर अंधा कानून चल रहा है। सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ काम किया था, जो मतलब पूर्व की जो सीट थी राजनीतिक पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था, आज इस मुश्किल घड़ी में क्या वो राजनीतिक पार्टी के लोग आपके साथ में की कैसे? देखिए साहब, ईमानदारी से काम किया था उन्होंने, ईमानदारी से किए थे, लेकिन हम पहले भी अकेले थे, हमारे साथ अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन देखिए, आज अपने आप को इतनी ताकतवर 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ सकती है क्या? नहीं, उसको सहारे की जरूरत है। तो किसका सहारा? जिस शिवसेना के खिलाफ इन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दिए है, शिवसेना को गालियां देते देते आज उनका हाथ थाम लिए है। जो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी को गालियां दिए बगैर स्टेज के ऊपर रहती नहीं थी, आज सत्ता में आने के लिए सत्ता की लालच के अंदर साथ में आ गए हैं मिलके। तो ये सब कमजोर लोगों के ये है उसके अंदर, हमारे साथ कोई दे या ना दे, हमारे को राजनीतिक पार्टियों की ताकत की जरूरत नहीं है जब तक आवाम हमारे साथ। समझे नहीं, जब बैरिस्टर साहब आए थे उन्होंने आह्वान किया था, दोनों तरफ कार्यकर्ताओं ने पूरी पूरी मेहनत से काम किया था। आज उनका एक एमएलए है उस पार्टी का, जिस इन कार्यकर्ताओं ने उनका काम किया है, तो इस मुश्किल घड़ी में एमआईएम पे जो संकट है, उस पार्टी के एमएलए ने आपसे कोई संपर्क साधा, कुछ काम किया आपके लिए, ये पूछ रहा हूँ। देखिए सब, ऐसा कहीं पर भी कोई हमारे को कोई ना मदद के लिए ना किसी ने हमारे को ये एहसान जताने के लिए कि साहब आपकी वजह से आपने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं खड़े थे, असद साहब ने आप स्टेज के ऊपर से खड़े रहकर कहा था कि मतलब इनको जिताओ करके, लेकिन अगर एहसान फरामोश अगर हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगले इलेक्शन के अंदर हिसाब निकाला जाएगा। चलिए ठीक है।